हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? क्या आज इंडिपेंडेंस डे? मुबारक हो सब लोगों को हमारा इंडिपेंडेंस डे पर। तमाम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, डैस पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, आज हमारे पांडव भाई नहीं इधर, नहीं तो पहले रहते थे उन्हों, एक दिन पहले से मुझे बोलते थे भी। आजादी का जश्न बनाने कुछ है हम लोग, आजादी है हमारे पास लेकिन आजादी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पूरा आजादी चप्पे मिलेगा जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे। जब तक इल्म हासिल नहीं करते हम पूरा आजादी नहीं पा सकते, क्योंकि आजादी का समझना भी चाहिए हम लोग, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसका फायदा उठाना, इससे अपने बच्चों को जब तक हम इल्म नहीं देते हैं हम पूरा आजादी नहीं मिल सकते हमारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। आज भी मैं आते हुए मिलसंद्रा बाजार स्ट्रीट में दोनों तरफ दुकान, क्या ही ऐसा आप लोग करेंगे तो कैसा इसको बदल सकते हैं हम? बोलिए क्या फुटपाथ पर? फुटपाथ किधर है? फुटपाथ ही नहीं है इधर, हमारे बच्चे कैसा बड़ा होना सो। आज जब तक आप लोग कोशिश नहीं करते एमएलए अकेले क्या कर सकते हैं? बोलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं मैं, मेहरबानी आप लोग भी साथ दीजिए, इसको क्लीन करना है। बहुत बार कोशिश हो गया, फिर लगाए, फुटपाथ अलग बनाए, रास्ते को चौड़ा करे, सब करे, तो भी फिर भी हम लोग उधर का उधर ही रहते हैं। देखो आप इधर से कैसे है, कोरोना है, कोविड है, तकलीफ है, तो लोगों को कुछ भी हो सकता है, वही समझ रहे इसको। प्लीज हमारे बीच रहने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त लोग आज नहीं हमारे साथ कोविड की वजह से, तो मेहरबानी आप सबका थोड़ा कोशिश करके कोविड से बच के रहने का कोशिश करना है। अभी थर्ड वेव आ रहा है करके सब अनाउंसमेंट हो रहा है, थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट होगा करके बोल रहे। हमारे को हुआ तो हमें सह सकते हैं लेकिन बच्चों को हुआ तो कैसा लेंगे हम लोग? तो मेहरबानी आप लोग थोड़ा हुशियार से रहकर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम और आप मिलकर बाजार स्ट्रीट को थोड़ा बदलने के लिए। दूर रह के आप ऐसा बोलने से नहीं होगा, आप साथ आना हमारे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करके इसे सब ठीक करने का जरूरत है। आज आजादी बोले तो सबको कैसा होना वैसा जाने का नहीं, आजादी से सबको फायदा होना चाहिए। आजकल थोड़े एरिया में हम देखते हैं आजादी से कोई कुछ लोगों को फायदा है, दूसरों को नहीं है, इसे बदलना है हम लोग इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ हूँ, कोविड से बचकर रहिए सब लोग, क्योंकि कोविड थर्ड वेव आ रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग सभी वैक्सीन लेना है, वैक्सीन का कैंप एसआरके में हुआ, अब तमाम बुजुर्ग लिए वैक्सीन, सब लोग लेना है वैक्सीन को। मैं नहीं लेता क्या होता है, देखता हूं ये वो डायलॉग मारने से कुछ फायदा नहीं है। वैक्सीन हमें कैंप्स कर रहे हैं, जो हो सकता है हमें वैक्सीन लोगों को पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। आप तमाम सामने आकर वैक्सीन लेना चाहिए, मैं खुद दो डोज भी लिया हूं, अभी हो गया, अभी बूस्टर डोज आ रहा है क्या करके देखते हुए हम लोग देखना हो, इसका दो डोज हो गया, फिर 6 महीने के अंदर बूस्टर डोज भी लेना पड़ता हम लोग। तो प्लीज आप लोग वैक्सीन लीजिए, अभी बच्चों को क्या वैक्सीन लेकर है क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, इंशाल्लाह देखेंगे। हम लोग दुआ करते हैं सबको भी, ऊपर वाला कोविड और ऐसे तमाम जो इससे हमारे को बचाए, और खुशी खुशी हम लोग भाई बहन सब पूरा हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है समझकर हम जिए।
हर एक हमारे भाई बहन ने इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत साल से कर रहे हैं। इस साल पांडु भाई नहीं है इधर, तो आप लोग थोड़ा नेक्स्ट ईयर और थोड़ा अल्लाह आपको और मालूम मेरे को क्या बोल रहे आप, पांडु भाई का भाई सब लोग नहीं मालूम, मैं रहना इधर नहीं रहना पूछो। थैंक यू, जय हिंद जय कर्नाटक। ये प्रोग्राम जो हुआ कभी दो दिन पहले बोलते समय जरा लेट हुआ बोलने के वास्ते, साहब थोड़ा लेट हुआ बोलने के वास्ते, नहीं तो हर साल अभी दो दिन पहले बोलते साहब को पंडित भी नहीं, नहीं तो उन्हें जिम्मेदारी से बोलते थे अल्लाह क्या मर्जी है कि सारी, तो जरा लेट होने की वजह से फ्लैग कास्टिंग खुद हमने हम लोगों ने करना पड़ा, साहब थोड़ा लेट है स्पीच के वास्ते, तो इसके वास्ते आप लोगों का सबका शुक्रिया। जो ये कमेटी है हमारी टिप्पू सुल्तान कमेटी जो भी है, इन सब कमेटी वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि बहुत सही तरीके से कर रहे हैं हमें सारा साल, टिप्पू सुल्तान जयंती रंदे जय कर्नाटक का रंदे हमारे इंडिपेंडेंट जो रंदे सब सही तरीके से कर ले जा रहे हैं हम लोग। तो ये बात जरा लेट हुआ बोलने, तो बहुत पब्लिक भी थी यहाँ, तो स्लॉ कास्टिंग के बाद में चले गए। चलना नहीं, और 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 नही